हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड पेपर है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बोला जाता है। और इसके वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 में आने वाले इम्प्रूवमेंट एग्जाम या फिर बैक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्या होने वाले हैं। तो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या फिर बैक पेपर दे रहे हैं, तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या रहेंगे। यदि जिन छात्रों के एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब कि बहुविकल्पीय, जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोला जाता है, तो उनके लिए हमने पीडीएफ बना रखी है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ज़्यादा अप्लाई नहीं देता, जैसा भी होगा मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, आप मैसेज जरूर करना। और यहाँ देखिए बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गॉस का नियम और उसकी प्रमेय। ये आपका जिंदगी बदल देगी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भले ही शॉर्ट में पूछे, कहीं भी पूछे, पूछेगा जरूर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ लेना, विद्युत विध्रुवण किसे कहते हैं इसको पढ़ लेना। नीचे चले जाओ, टिक लगाओ फटाफट, आपके पास बुक नोट्स कैसे पर, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो। देखो आपने सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने एग्जाम में, बस एक बार आपको देखना है, इसको दोहराना है, बस एक बार देखना है। मैं ये नहीं कह रहा, एक बार देख के जाना है। जब आप देख लोगे ना एक बार इन क्वेश्चनों को, तो आप कहोगे कि सच में यार जो बताया वही क्वेश्चन आए। 85% की गारंटी लेता हूँ, 85% की गारंटी लेता हूँ मैं, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके क्वेश्चन में, पेपर में, समझ रहे हो। तो इसलिए अच्छे तरीके से दिल से पढ़ाई कर लेना, और मित्री को भी थोड़े दिन के लिए भूल जाना, ठीक है। थोड़े दिन को ये नहीं कहना कतई भूल जाना, मतलब थोड़ा सा भूल जाना, ज्यादा भी नहीं कह रहा कि कतई भूल जाओ यार, ज्यादा भूल के तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं गड़बड़ हो जाएगा मतलब क्या है, वो गलत समझने लगेगा तुम्हें, कछु और तो ना मिल गाओ, समझ रहे हो। तो इसलिए अपनी तैयारी करो, बेहतर करो, अच्छा करो, ठीक है। तो देखो उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो उसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, ये क्वेश्चन रिपीट कर लेना, बहुत ज्यादा है, परावैद्युत माध्यम के लिए गॉस का सिद्धांत के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद में हम देखेंगे जो, देखिए बलागुण क्या होता है, तो इसको आप पढ़ के जाएंगे। ये पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बलागुण किस प्रकार से लगता है, ये बताओ, तो आपको बता देना। चुंबकीय अदिश प्रभाव क्या होता है, ये आप देख लेंगे। देखिए या तो आपसे अदिश पूछेगा या आपसे सदिश पूछेगा, इन दोनों में से एक पूछ लेगा, तो आपको दोनों पढ़ लेना है। और मैक्सवेल की समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट, टिक लगाओ, मोस्ट पे लगाना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा चुका हूँ, मुझे पता है ऊपर। फैराडे के विद्युत चुंबकीय विकिरण का नियम आप इसको याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनिर्वपण गुणांक क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट। देखिए और सतत समीकरण क्या होती है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए वो होता है बीटाट्रॉन क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। चुंबकीय शीलता क्या होती है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को वितरण, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। और उसके बाद में जो सेथलिक हाउस क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और ये होता है निर्वात में तरंगों की चाल क्या होती है, देखिए वर्ड, देखिए ये वायु सवर्ट का नियम आप पढ़ के जाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने ऊपर बता रखी है, इसको नहीं देखना है, कितनी बार लिख रखा है इन्होंने। उसके बाद में कह रहा देखिए गॉस के नियम से कूलाम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कूलाम का नियम। क्यूरी नियम देख के जाएंगे आप, क्यूरी नियम आप याद करके जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में है देखिए आण्विक ध्रुवणता क्या होती है और स्वपरत्व क्या होता है, जिसके लिए अलग पेपर है, उसकी बात कर रहा हूँ, तो अलग पेपर, एक अलग पेपर बन रहा है। स्वपरत्व क्या होता है, इसको पढ़ के जाएंगे। लॉरेंज बल क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। परावैद्युत स्थिरांक, इसको पढ़ के जाएंगे, बस इतना पढ़ लेना, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ ज्यादा पढ़ लो, सब पढ़ लो, सब पढ़ लो, तो बच गया क्या, तो मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया। देखो यहाँ क्वेश्चन जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको वहां करा दिए। तो बाकी आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, फटाक से भी कर दो वीडियो को। और हाँ फेसबुक पे इस वीडियो को जरूर फेंक देना है, फेसबुक पे आपको फेंकना है, ठीक है। आपको अपनी मित्री या फिर मित्र का वो है, समझ रहे हो, तो इसलिए शेयर कर दो फटाफट, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू, लव यू।